नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सोनल रिछारिया, गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे नॉर्मल डिलीवरी के लिए आखिर हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपका मेंटल स्टेटस अच्छा होना चाहिए, आप में ये क्षमता होनी चाहिए और चाहत होनी चाहिए कि आपको नॉर्मल कराना है। सेकेंडली, एक्टिविटी बनी रहनी चाहिए। ये एक्सरसाइज केवल कुछ दिनों तक करके, 7वें 8वें 9वें महीने में करके कुछ बड़ा काम नहीं हो जाएगा। आपको एक्टिव थ्रू आउट 9 मंथ्स रहना पड़ेगा, तब नॉर्मल डिलीवरी संभव है। वो पांच ऐसे आसन जो आसानी से किए जा सकते हैं, वो आज मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहला, जमीन पर बैठना शुरू करें। जैसे हम पहले बैठते थे आलती पालती मार कर, क्रॉस कर कर पूरे पांव, वैसे बैठना शुरू करें। इससे आपकी पैल्विक गर्डल ओपन होगी। बेसिकली नॉर्मल डिलीवरी हमारी पैल्विक गर्डल की मसल्स की स्ट्रेंथ पर निर्भर करती है, यानी हमारी थाई मसल्स, हमारी हिप मसल्स, ये स्ट्रांग होनी चाहिए तभी वो लेडी पुश कर पाती है। अब उसे स्ट्रांग करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? एक, स्क्वैट्स करने चाहिए। स्क्वैट्स करना तो चाहिए, लेकिन स्क्वैट्स हमेशा ऐसे करना चाहिए जिसमें आपकी पोजीशन पे आप थोड़े से पैर चौड़े रखें, पीछे की तरफ होकर बैठे, ना कि अपने पंजों के ऊपर आगे होकर बैठे। अगर आप आगे होकर बैठेंगे तो बच्चे को सही एक्सेस नहीं मिलेगी और बच्चा नीचे नहीं आएगा और आपका स्क्वैटिंग करना वेस्ट हो जाएगा। तो स्क्वैट अगर आप करते हैं तो एड़ी आपकी ज़मीन पर रखी होनी चाहिए, पैर पूरे चौड़े होने चाहिए और आपको पीछे की तरफ होकर बैठना है किसी चीज़ का सपोर्ट लेकर, जैसे कि सोफ़ा, दीवार, पलंग वगैरह, और कोई ना कोई आपके साथ होना चाहिए। तीसरा आसन है बटरफ्लाई, पूर्ण तितली आसन, जो आजकल सभी लोग करना जानते हैं। उसमें भी हमारी पैल्विक गर्डल की मसल चौड़ी होती है और स्ट्रेंथन होती है, जिसके कारण डिलीवरी आसान होती है। एक और आसन है जिसको हम बोलते हैं लंजेस, जो जिम में सभी लोग करते हैं, पर जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको लंजेस करने में क्या सावधानी रखनी चाहिए? उसे हमेशा एक हाथ से कुर्सी, सोफा या किसी का सपोर्ट लेना चाहिए। वो सपोर्ट लेकर अगर आप लंजेस करेंगे तो गिरने की गुंजाइश कम होगी, और हमेशा किसी व्यक्ति के प्रेजेंस में करना चाहिए ताकि आपका बैलेंस गड़बड़ाए ना। एक जो बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज होती है, जिसको हम पैल्विक ओपनिंग एक्सरसाइज कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए होती है क्योंकि ड्यूरिंग डिलीवरी, ड्यूरिंग लेबर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपकी पेल्विस ओपन अप रहे, आपकी थाई पूरी तरीके से चौड़ी या एबडक्टेड रहे और टुवर्ड्स योर स्टमक रहे। इससे आपकी जो पेल्विस है उसमें जगह बनती है और बच्चे को नीचे सरकने में सरलता रहती है। दिस इज कॉल्ड एज पेल्विक ओपनिंग एक्सरसाइज। ये भी आपको रूटीनली करनी चाहिए। फिर एक होती है जो बहुत इजी एक्सरसाइज होती है, जो हम सभी को रिकमेंड करते हैं, वो होती है डक वॉक। पर डक वॉक करते समय भी सब लोग ये याद रखें कि जब आपसे स्क्वैट्स आसानी से बनने लग जाएं, तभी आप डक वॉक करना शुरू करें। ये सभी एक्सरसाइज का एक ही मूल मंत्र है, धीरे धीरे शुरू करें, किसी की प्रेजेंस में शुरू करें और ग्रेजुअली इंक्रीज करें। अगर ये सब भी नहीं बनता है तो वॉकिंग फॉर 30 मिनट्स इज द बेस्ट वन एंड यू शुड डू इट। धन्यवाद।